अच्छा, तो आप लोगों ने वो कर ली कुछ शीट्स जो थी? कौन कौन सी शीट्स? एक तो कैपेसिटर वाली थी और एक इलेक्ट्रो वाली थी। कर ली सबने? कितनी की रहती है? बच्चों, एक तो आपको आज ना एक और शीट मिलेगी। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन अभी आपको दिए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर मेंस वाले हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि एक शीट में क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, एक में फिर भी थोड़े से ठीक है, है ना? को कौन सी वाली है? शीट टू में थोड़े ठीक है, शीट वन बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, इजी है। आज मैं आपको जो शीट दूंगा उसमें मतलब आईआईटी वाले हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसमें मतलब वैसे तो सारे हैं सिंगल मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, बट अभी फॉर द टाइमिंग जो हम करेंगे वो सिंगल और मल्टीपल ही करेंगे। ये दो आपने टारगेट करने हैं, वो भी अगर आप पहले ये शीट्स कर पाते हो। मतलब अगर आपको शीट वन ऐसा है कि बहुत ईजी लग रही है, तो आप शीट वन छोड़ के मान लो शीट टू और थ्री कर लो। टू तो पक्का ही करनी है, ठीक है। साथ में थ्री का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया बेस्ड अपॉन टाइम। थोड़ा आपने को ये देखना पड़ेगा क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप सबको पता है कि अभी डेट्स तो कोई आउट है नहीं अपने पास जेई मेंस की। चांसेस हैं कि फेब में होगा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से इट्स वेरी लाइकली, मतलब जो मुझे दिख रहा है कि 80% चांस है कि वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस तो इनके बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। मतलब विदाउट अनाउंसिंग इन्होंने मतलब कुछ कुछ चीज़ें बंद करनी, पोस्टपोन करनी शुरू करनी है। जैसे एनटीएससी का पेपर बच्चों कैंसिल हो गया, कई कॉलेजेस जो खुलने थे वो पोस्टपोन हो गए, तो वो शुरू तो हो चुका है ऑलरेडी। तो एंड जितनी प्रिडिक्शन हैं उस सबके हिसाब से तो यही है कि अभी बढ़ना ही है, तो देर इज अ चांस कि फेब में ना हो पाए। बट वॉट आई थिंक इज कि इस साल ऐसा होगा कि अगर फेब में ना भी हुआ तो वॉट दे विल डू इज कि दे विल रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। शायद इस बार ऐसा नहीं करेंगे कि वो चार करने के चक्कर में फिर, क्योंकि चार का मतलब है मिनिमम 4 महीने, है ना? तो शायद उतना लेट वो ना करें, दिस इज माय प्रेडिक्शन। बट एटलीस्ट हम एक बार उसके हिसाब से, फेब के हिसाब से टारगेट लेके चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स पर वीक जो हैं आपके वो एक मतलब थोड़ा सा हायर नंबर है। जैसे कितने चैप्टर्स हो जाते हैं अपने जनरली, देखो 3 से 4 चैप्टर्स होंगे, है ना? तो अब उतना काम करना है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाउ मच यू आर एबल टू डू, है ना? तो प्रेशर मत लेना, शीट थ्री नहीं भी होती कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे, शीट टू पक्का करनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये तब करनी है जब इसे पहले क्या क्या काम करना है आपने शीट से पहले। नोट्स रिवाइज हुए होने चाहिए, समरी शीट्स बनाई हुई है क्या आप लोगों ने? सच सच बताओ कितने लोगों की बनी हुई है समरी शीट्स? हाँ, जैसे आपने मान लो रिवाइज करना है गुरसाहिल, तो आप कैसे रिवाइज करोगे इलेक्ट्रोस्टैट? अच्छा, मतलब कि आपके पास नोट्स इस तरह बने हुए हैं कि मतलब उसमें एटलीस्ट हाइलाइटेड चीजें हों, आपको एकदम दिख जाए। अगर समरी शीट्स नहीं बनी हुई तो दूसरा तरीका फिर यही है आपके पास एज ऑफ नाउ की नोट्स हैं प्रॉपर, तो नोट्स में से आप फटाफट जो इतने हाईलाइटेड कंसेप्ट हैं उनको देखो, ठीक है। एक बात बच्चा मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि जेई मेंस में अगर आपका कम स्कोर आएगा उसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि हम बहुत बार ना ऐसा सोच लेते हैं कि यार इलेक्ट्रो तो मुझे आता है लेट से, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रो का ही कोई ऐसा कुछ उन्होंने पूछ लिया कंसेप्ट जो उस टाइम पे याद ही नहीं आया आपको। मतलब मैं आपको बड़ा क्लियर कट जो मुझे एग्जाम्पल पता है, जैसे ये लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चों, नहीं अब लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया, जैसे जो कार्तिक आयुष का जो बैच था, ठीक है, उनके टाइम पे वो दोनों जेई मेंस में ये गलती करके आए थे कि उनके टाइम पे ये कलर कोडिंग का आ गया क्वेश्चन। नाउ कलर कोडिंग इज समथिंग जो आप वैसे सोचोगे तो आपको पता यार बहुत आसान सा है, याद रखना है, बट अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो पक्का भूल जाओगे उसका कंसेप्ट, एंड इट इज नॉट समथिंग कि जो आप उस टाइम पे ड्राइव कर लोगे या रिकलेक्ट कर लोगे। तो वो तो क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर जाएगा ही जाएगा आपका अगर आपको याद नहीं,
ठीक है, तो जेई मेन्स का बच्चों अब जो ट्रेंड है उसमें सीधी बात यह है कि इट इज वेरी वास्ट, लेवल कभी टफ नहीं होता जेई मेन्स का, एटलीस्ट जो अभी हमें दिख रहा है इतने 2-3 सालों से, ये हमेशा वास्ट होता है कि वो कोई भी चीज उठा के पूछ लेंगे, इट डजेंट मैटर कि वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, उनको तो एक क्वेश्चन से मतलब है, वो बना के पूछ लेंगे। तो फॉर जेई मेन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो, एक एंड मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कवर, चाहे वो आपके नोट्स में से हो गया चाहे मॉड्यूल में से हो गया, ये दोनों चीजों मतलब आपकी पूरी अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात ये है कि जो शीट्स है बच्चों वो आपने फिक्स टाइम में करनी है ना, कोई भी शीट रैंडमली ऐसे ही इन बिटवीन उठा के आपने कहा कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इट इज लाइक कि आपने पहले तैयारी की हुई है जो आपने नोट्स रिवाइज किए, शीट इज लाइक अ टेस्ट टू दैट, बात समझ आती है। ठीक है, जो बच्चों कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल कंसेप्ट लगेंगे मुझे कि जो उस वीक में रिवीजन के टाइम पे कवर करने की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीक में मुझे जो एक मेजर चीज कवर करनी है आपकी वो है एरर्स। ठीक है, तो मतलब एरर्स हो सकता है आपने किया भी होगा बट मैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है वो इन जनरल काफी अच्छे आ जाते हैं। आपका एडवांस टेस्ट भी इसी वीक है? ठीक है बच्चों, जो प्लान है उसमें एडवांस का क्या सिलेबस है? अच्छा चलो आपको बता रहा हूं, जो सोचो ये ना एक बार बाकी सब्जेक्ट से भी कंफर्म करना क्या है सिस्टम। फिजिक्स में तो ऐसा है, आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि हम उतनी की तैयारी करें, कि ये जो एडवांस वाले चैप्टर्स है ना इनमें सिर्फ एडवांस वाले जो टेस्ट हैं इनमें सिर्फ 11th वाला पोर्शन आएगा, 12th वाला पोर्शन नहीं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। 99% केमिस्ट्री और मैथ्स में भी ऐसा है, बट एक बार कन्फर्म कर लेना कोई एक आधा चैप्टर इधर उधर ना हो। ठीक है, हाँ ये हम टेस्ट के बाद बात करेंगे। तो इसमें क्या है, मैं वही एक्चुअली वही देख रहा था, इसमें यूनिट्स डायमेंशंस एरर्स तो हो ही गया, इसमें उसके साथ बच्चों वो भी आएगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच। ठीक है, अब वो किसी को नहीं कराया हुआ, डोंट वरी। तो सब नहीं करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो मुझे कवर करना। तो अपना जो मेन फोकस है इस वीक का वो ये है कि 12th का तो हमने मतलब बस डाउट्स करने हैं, 11th के जो चैप्टर्स हैं एरर्स एज वेल एज योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये मैंने आपको कराने। क्लियर सो फार? ओके, ये शीट्स निकालो बच्चों, इनके डाउट्स देखते हैं। ये बच्चों शीट बांधना ना, ये मैंने खोल दिया। हाँ जी, इसमें कोई डाउट बच्चों? सेकंड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट है, इस फॉर्म में तो सॉल्व भी नहीं कर सकते हम इसको। आई थिंक वो जो फेस कहना चाहते होंगे वो BCFG होगा, इस फिगर के हिसाब से उससे क्या होगा, क्या आंसर बनेगा? जीरो।
पीछे आंसर क्या दिया होगा, जीरो दिया है तो ए बी सी एफ जी आना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी डी के लिए तो देर इज नो वे कि आप निकाल दो. जो एक चार्ज क्यू इस वाले का तो निकालना इजी है, बट इसका नहीं आप निकाल सकते, कोई कैलकुलेशन या सिमेट्री से नहीं होगा. सॉरी, ठीक है, आगे. सिक्स, अच्छा थीटा कौन सा है? अच्छा ये वाला बच्चों शायद. आगे अच्छा दिया गया पीछे वो टेन लेके आता है, मेंशन कर लो जी इक्वल टू टेन. आगे डी, आगे आगे बड़े सिक्स से बच्चों हमें कहा है कि चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट चार्जेस अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी वी. तो वी का रिलेशन बताना है हमें, राइट? एक हमें कहा है कि डी इज मच स्मॉलर देन एल. ओके, तो अभी क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? इसमें आप अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे एफ बी डी बनाऊंगा तो एफ बी डी में वी नो एम जी और ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वेयर लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, और एक ही आ गया टी. लेट्स से मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ. डी क्या था? इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है. सो विच मीन्स कि ये एंगल थीटा स्मॉल है. यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी? अब टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वी गेट टैन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी. हाँ, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वी रुको, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी की तो प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है हमें, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. क्या नहीं, वो तो फिर उसमें टी की तो टर्म आएगी, वो तो आपको आइडियल ये लिखना पड़ेगा ना, टी साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो जो टर्म बनेगी, तो इससे नहीं लिख सकते. बिल्कुल ठीक है बात, बच्चों समझ रहे हो क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं है तो मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कैसे कर सकता हूँ? तो अब दूसरा तरीका क्या हुआ? एनर्जी.
एनर्जी किस तरह लगेगी बच्चों, के ई प्लस पी इज कॉन्स्टेंट, तो इनिशियल के ई क्या हुई, इनिशियल पी क्या हुई, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, के क्यू स्क्वायर बाय डी इज इक्वल टू, एक तो बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो हो गई के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, और बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये वी क्या है, ये मतलब रिलेटिव है या एक बॉडी की वेलोसिटी है, डजेंट मैटर, हमें तो प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है, हम जैसे मर्जी मान लेते हैं, मान लो हर किसी की वी है, समझ रहे हो बच्चों, तो क्या आएगी टर्म, टू इंटू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ग्रेविटी एक्चुअली ना जब मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म में अनटिल एंड अनलेस इट्स मेंशनड हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, ठीक है। दूसरा आप इस केस में एनीवेज डी बहुत छोटा था तो हम मान सकते हैं कि उसमें जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम में तो है ही नहीं, हाँ क्या चीज कैसे लिख देते हैं टर्म, कोई चक्कर नहीं, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर तो हम ग्रेविटी मानते ही नहीं सेट से फिर क्या होगा, फिर तो पास नहीं आएंगे ना, फिर तो दूर दूर जाएंगे, फिर तो हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगा थ्रेड, तो कैसी टर्म आएगी ग्रेविटी की, एक हमें दिया हुआ है चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट, तो एक हमें कहीं ना कहीं बच्चों एक चीज ये यूज करनी है कि डी क्यू बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, ग्रेविटी के लिए बच्चों अगर हमें इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, नहीं अगर स्टिल अगर चार्ज लीक कर रहा है तो सिर्फ रिपल्सिव फोर्स ही ना, अगर ग्रेविटी इग्नोर करी तो अट्रैक्टिव तो कुछ आया ही नहीं, चार्जेस को पास कौन लेके आ रहा है, तो ग्रेविटी ला सकती है, ठीक है। चार्ज मान लो लीक भी कर रहा हो, कम भी हो रहा हो, स्टिल वो तो रिपल्शन ही हुई ना, क्लियर हो चो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, एनीवेज अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वो कैसे लिखी जाएगी, जैसे मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बच्चों, तो इनिशियली हाइट मान लो एच मान लेते हैं, एच हम निकाल तो सकते हैं ना एल और डी की टर्म्स में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म आ जाएगी माइनस एम जी एच, और बाद में क्या टर्म आएगी माइनस एम जी एक तरह से एल कॉस थीटा हो गया बच्चों, समझ आप, ये जो इस पॉइंट से इसकी डेप्थ है वो एल कॉस थीटा हो गई ना, तो हमें चाहिए वी और एक्स की प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें प्रॉब्लम क्या है, और भी टर्म्स हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम बच्चों,
अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और उसके अंदर थ्रीपुट, एक तो डी क्यू बाई डी टी की टर्म्स आएंगी, उसको हम कांस्टेंट पुट करें, एक डीएक्स बाय डी टी की टर्म आएगी, वो भी हो गया, बट एक वी स्क्वायर भी है, फिर उसमें डीवी बाय डी टी आ जाएगा। डीवी बाय डी टी को हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक भी दूसरा भी आएगा। वो तो ठीक है, वो तो आपने उस चीज को फोर्स के टर्म्स में लिख दिया, वी तो नहीं। दो चीजें, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी होगी किधर को, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन जो उन्होंने जिस वी की बात की है वो कौन सा वी है, वो हॉरिजॉन्टल वाला वी है। तो वो भी पंगा पड़ेगा, तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे इसमें, तो वी थीटा। अगर हम इसको सीधा बच्चों उसमें करते हैं, अगर हम उस हिसाब से सिंपल एक्स वाई में इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें, फिर तो फोर्स बैलेंस कर ही नहीं सकते ना, ना एक्स में कर सकते हैं ना वाई में कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल फाइनल पोजीशन हो गई, उसका तो हमें कोई हेल्प नहीं होगा। नहीं, ऐसा भी एक क्वेश्चन था जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ना जनरली ऐसे करके आ भी जाता है आंसर इसका, अगर आप सीधा सीधा ऐसे लिखो कि हाफ एम स्क्वायर ना लो, अगर आप फोर्स बैलेंस कर दो, आप अगर ऐसे लिखो ना टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, फिर लिखो टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप इसीलिए अगर हम कब कर पाएंगे, अगर हम ये अजम्पशन लें कि बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं वो, तभी कर लिख पाएंगे हम ऐसे। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो टैन थीटा आ गया के क्यू स्क्वायर बाय एम जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टैन थीटा इस फिगर के हिसाब से है क्या। थीटा स्मॉल, तो टैन थीटा को अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा लिखा, जो कि क्या बन गया एक्स बाय ट्वेल्व, ये इस तरह आ गया। तो क्या हो रहा है ना, इसमें थोड़ा इजी बन जाता है कि वेरिएबल्स कम ही आ रहे हैं, सीधा एक्स आ गया और सारा कुछ एक्स में ही है, एक्स और क्यू की टर्म्स में है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या होगा,
वो एक्स की टर्म्स को डिफरेंशिएट करके डीएक्स बाय डीटी बनेगा, वो वी हो गया, डी क्यू बाय डीटी तो कॉन्स्टेंट ही है, तो वो डीएक्स बाय डीटी और एक्स में प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। तो ऑब्वियसली ये हम अगर ये हम कर रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज नियरली जीरो, तो बहुत स्लो है। फ्लॉ है थोड़ा क्वेश्चन। वैसे इसका क्या बताओ, वी प्रोपोर्शनल टू व्हाट आता है, एक्स की पावर डी ऑप्शन माइनस आर। तो इससे अगर हम ए निकालते हैं यूजिंग वी डीवी बाई डी एक्स, तो क्या आता है, मतलब इफ आई से कि वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ, तो ए को अगर मैं लिखता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर, इससे तो कर कुछ नहीं आता, तेरे बच्चों स्लो मानना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे। दूसरी तरह से तो मतलब जैसा दिख रहा है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशंस बन जाएंगी, सॉल्व नहीं होगा। आगे बच्चों, एक बच्चा फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, कैविटी के अंदर फील्ड इज कांस्टेंट और वो कितनी होती है, इक्वल टू व्हाट, मतलब फील्ड एट सेंटर। आगे और कोई बच्चा इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, वो उसमें आ जाएगा आपका, मैं दूसरी शीट जो दूंगा उसमें भी आएगा क्वेश्चन। आगे बच्चों, क्यूबिकल रीजन सेंटर एट ओरिजिन, माइनस क्यू थ्री क्यू, ठीक है माइनस, ओके फिर से बाय फोर पे है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है बी ऑप्शन इज नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द प्लेन एक्स इक्वल टू प्लस ए बाय टू इज मोर देन द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय टू। तो जो जो चार्जेस की पोजीशन है वो तो सारी सिमेट्रिक ही है, ठीक है इस फिगर से एकदम नहीं समझ आ रहा, 3D फिगर है, अगर हम मैं जस्ट फॉर अ मिनट इसको सिचुएशन को 2D में ऐसे दिखाऊं, ये फेस है ए बाय टू वाला, ये माइनस ए बाय टू वाला, एक चार्ज तो आपका सेंटर पे पड़ा और जो थ्री क्यू वाला और जो माइनस क्यू चार्जेस है वो एक यहाँ पड़े प्लस ए बाय फोर पे और एक माइनस ए बाय फोर पे पड़ा, तो मतलब लेफ्ट फेस और राइट फेस को तो सब कुछ सेम ही है, तो दोनों के लिए फ्लक्स सेम आएगी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो नहीं फर्क। अच्छा अच्छा एक मिनट, मैं एक्स इक्वल टू प्लस ए बाय टू इसको कंपेयर करना है एक तो, और एक कंपेयर करना है वाई इक्वल टू माइनस ए बाय टू को, नीचे वाले प्लेन को,
बताओ कैसे होगा, जो तो सेंटर वाला चार्ज 3Q है उसका रोल तो सेम है, ठीक है। जो नीचे वाला प्लेन है बच्चों, ध्यान से समझो, जो वाई इक्वल टू माइनस ए बाय टू वाला प्लेन है, उसके लिए तो ये लेफ्ट और राइट वाले जो चार्जेस हैं उनका रोल बिल्कुल सेम है। वो भी अलग है क्या? सॉरी, एक्स इधर को है अपनी तरफ, वाई राइट को है, फिर तो वही क्या सीधा? नहीं, अभी भी एक्स वाई अलग अलग है, एक मिनट। वाई इक्वल टू माइनस ए बाय टू वो स्टिकर के हिसाब से कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला लेफ्ट वाला, और एक्स इक्वल टू ए बाय टू तो ये वाला फिगर नहीं काम करेगा बच्चों। या तो इसको कंपेयर करने के लिए हम टॉप व्यू बनाए, समझ लो क्या रे, टॉप व्यू में भी ऐसा ही दिखेगा जो मैंने बनाया। अगर मैं ऊपर से देखूंगा इसको तो यही फिगर दिखेगा। तो अब मेरे को इस ब्लू प्लेन और इस रेड प्लेन को कंपेयर करना है, ब्लू और रेड को, ना? अग्रीड? तो ब्लू और रेड में जो सेंटर वाला चार्ज है उसका रोल सेम है, जो ब्लू वाला प्लेन है उसके लिए ये जो साइड वाले दोनों चार्जेस हैं उनका सेम है, जो रेड वाला प्लेन है उसके लिए डिफरेंट है, मतलब ऑब्वियसली उसके लिए जो लेफ्ट वाला चार्ज है और जो राइट वाला चार्ज है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग आएंगी, मानते हो? कैसे आप सीधा कंपेयर कर सकते हो, मतलब बिना सॉल्व किए? ये डिस्टेंस कितना बनता है बच्चों? जो तो ये वाला डिस्टेंस है ए बाय टू, ये तो ए बाय टू होगा ना, और ये जो लेफ्ट वाला डिस्टेंस है लेफ्ट मोस्ट वो ए बाय फोर हो गया। x equal to a by 2 is more than मतलब देयर ऑफ कोर्स हैज टू बी अ वे विदाउट सॉल्विंग, आप पूरा तो सॉल्व करने से रहे। इसके जो डी ऑप्शन है वो क्या है वैसे? z equal to plus a by 2, z equal to plus a by 2 हुआ ऊपर वाला फेस,
और एक्स इक्वल टू, वो तो सेम ही है, वो तो उन दोनों को तो सेम दिख रहा है. क्या इन दोनों को बच्चों हम डायरेक्टली कंपेयर कैसे कर सकते हैं? स्प्रिंट तो नहीं क्वेश्चन में कहीं. कुछ एक बार चेक कहीं मैं स्प्रिंट ना हो, ऐसे तो इसी तरह तो नहीं कर सकते कंपेयर विदाउट सॉल्विंग, बिकॉज यहाँ कौन सा कोई ऐसा कंसेप्ट है कि आप कोई इक्विवेलेंट चार्ज ले लोगे या कुछ कर लोगे तो पूरा सॉल्व होएगा. लेट मी चेक वंस है ना. और इसमें करंट तो नहीं था ना अभी, कैपेसिटर अलग से. इसमें बताओ बच्चों, तो बस छह ही क्वेश्चन है, डन. अच्छा कौन से पेज पे था वो? नहीं मुझे ये क्वेश्चन काट देना ना, 4 और 5 ये नहीं है अपने सिलेबस में. ये भी 7 8 भी नहीं करना है, 16 18 19 25 31.
हाँ जी, इसमें बताओ बच्चों। सेकंड का आंसर टू आएगा, राइट? आगे फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। ये थर्ड ऑप्शन में तो ये पंगा है ना कि ये फील्ड लाइन इधर से ऐसे आ रही है, इधर से ऐसे, मतलब जो जहां पे मिल रही है वहां पे स्लोप्स अलग अलग आ जाएंगी, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगी, तो थर्ड तो इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। और फोर्थ में क्या चक्कर है? हाँ, एक आप डायरेक्शन से समझ जाओगे कि अगर पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो अगर आप एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे फील्ड किधर को आएगी? जब मैं इस पॉइंट पे अगर मैं कोई लूंगा तो किधर को फील्ड आ रही है? डाउनवर्ड्स आ रही है, तो इधर से वो क्लियर हो रहा है कि डाउनवर्ड नहीं आ रही। तो कौन कौन सी ऑप्शन बच्चे एलिमिनेट हो गई अपनी? सेकेंड ऑप्शन ठीक है, गलत है? गलत हो गई। क्यों? वो डायरेक्शन गलत हो गई। थर्ड फ्लक्स जीरो होनी चाहिए, ओके। तो क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम नहीं आ रही। तो थर्ड में तो बच्चे ऐसी जाए है ना, ये ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डाउन होना चाहिए था, तो ये कट गया। व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट और फोर्थ में कैसे डिसाइड करोगे? सिग्मा इन अपर हाफ, नेगेटिव इन लोअर हाफ। फर्स्ट में तो उन्होंने सीधा रेडियली आउटवर्ड्स दिखा दी, वो कब होती? वो तो पॉइंट चार्ज के लिए होती है ना। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक तरह ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो मतलब ये समवॉट लाइक डायपोल टाइप्स कह लो, केस या कुछ वैसा बनेगा। तो कौन सी ऑप्शन होगी बच्चों? फोर्थ है ना, फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे माइनस क्यू प्लस क्यू है ना बच्चों? सिग्मा वन इज सरफेस चार्ज ऑन इनर सरफेस एंड क्यू वन नेट चार्ज ऑन इट, सिग्मा टू सरफेस चार्ज ऑन आउटर सरफेस एंड क्यू टू नेट चार्ज ऑन इट। तो मतलब ये सरफेस चार्ज से क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज का क्या मीनिंग हुआ? डेंसिटी होगा उसका मीनिंग, है ना? उन्होंने पूरा लिखा नहीं, सरफेस चार्ज वुड मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना? ओके, सबसे पहले तो जो बिल्कुल इजीली देख सकते हैं हम, ये अंदर चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसमें रूल क्या होता है बच्चों? एक बार इसको, इससे हम कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं।
अंदर वाली सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है? तब तो सिमेट्रिक होती है, वैसे नॉन सिमेट्रिक होएगी, उसका रीजन क्या होता है? मतलब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कैसे होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस अपॉन चार्ज। जितना मतलब चार्ज के आप पास हो उतना वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे इस फिगर में जैसे जो प्लस क्यू के बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है वहां पे ज्यादा माइनस चार्ज होगा और बाकी जगह दूर हो कम हो जाएगा। ऐसे ही जो माइनस क्यू के बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है वहां पे ज्यादा प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, बायसिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि जितना प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू ऊपर आया होगा उतना ही माइनस क्यू के कारण जो भी प्लस में आया होगा वो नीचे आया होगा। तो रीजन मतलब याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता है, क्लियरली इस केस में हमें ये तो पता है कि जो शेल है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो अंदर वाली शेल पे चलो एक मिनट सीधा बाहर की बात करते हैं। आउटर शेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है? अंदर वाली पे तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, आउटर पे किस मतलब डिपेंड किस पे करती है? क्या बाहर मतलब बाहर अगर कुछ नहीं है फिर इंडिपेंडेंट तो अंदर वाले चार्ज की हो गई, डिपेंडेंट किस पे है? एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, शेप कुछ नहीं है याद आप लोगों को। जो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, आउटर वाली सरफेस पे जो चार्ज होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट फॉर्म में बच्चों ऐसे याद रख सकते हो कि जो सिग्मा इनसाइड है इन अ वे वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जो सिग्मा आउटसाइड है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन वो आर है क्या? ये जो आर है ये तो डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज है, और जो ये आर है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये बात समझ आई? मतलब यहां पे नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, यहां तो हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताना ही नहीं है, वैसे आपको लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे करना क्या था देखो बच्चों, एक मिनट के लिए मान लो अंदर सिर्फ चार्ज प्लस क्यू होता, लेट से माइनस क्यू होता ही ना, फिर आप कैसे कहते? फिर इनर वाली साइड कितना चार्ज इंड्यूस होता? माइनस क्यू होता, और शेल को न्यूट्रल रखने के लिए बाहर प्लस क्यू होता, मान रहे? और प्लस क्यू कैसे होता? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? अगर मान लो सिर्फ एक ही चार्ज होता तो यूनिफॉर्म होता, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है। ठीक है, मतलब अगर सिंगल चार्ज होता, आपने अंदर उसको जैसे मर्जी रखा हुआ है, आउटर सरफेस पे तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती वो यूनिफॉर्म ही होती। ठीक है, ओके। अब यहां पे दो चार्जेस आ गए, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या हुआ होगा? अब अंदर वाली सरफेस पे बच्चों चार्ज कैसे इंड्यूस हुए होंगे? जैसे हम बात कर रहे थे, यहां माइनस हुआ होगा ज्यादा, यहां प्लस हुआ होगा, लेकिन मिला के नेट चार्ज कितना इंड्यूस हुआ होगा इस केस में? जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली सरफेस पे जो नेट चार्ज इंड्यूस होना है वो कितना होना होता है? मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ जो भी उसके इनक्लोज चार्ज है। उसका लॉजिक क्या होता है? अगर मैं एक ऐसे गॉशियन सरफेस बनाऊ रेड कलर की, इस गॉशियन सरफेस पे तो हर पॉइंट पे ई जीरो है, कंडक्टर के अंदर है, तो चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। तो चार्ज इनक्लोज जीरो कैसे होगा? अगर जो इंड्यूस चार्ज है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ जो भी चार्जेस पड़े हैं उसके होगा, तो जो चार्जेस पड़े हैं वो कितना है? जीरो ही है। तो इसका मतलब नेट इंड्यूस चार्ज कितना होगा? जीरो ही होगा। लेकिन डज इट मीन कि चार्ज इंड्यूस ही नहीं हुआ? चार्ज इंड्यूस हुआ है, जैसे यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव कुछ इस तरीके से हुआ होगा, लेकिन उसका टोटल क्या होगा? जीरो होगा। ये बात समझ आ रही है? तो एक मिनट हम अंदर वाली ऑप्शंस के बारे में बात करें। सिग्मा वन थी उसकी, हाँ, तो व्हाट कैन यू से अबाउट सिग्मा वन एंड क्यू वन?
क्या सिग्मा वन बच्चों जीरो है? सिग्मा वन इज नॉट जीरो क्योंकि चार्ज तो इंड्यूस हो रहा है. क्या क्यू वन जीरो है? नेट चार्ज इंड्यूस इज जीरो. तो कौन सी ऑप्शन बची? टू और थ्री. अब आ जाओ आउटर सरफेस पे. जो शेल थी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके अंदर वाली सरफेस पे चार्ज इंड्यूस कितना? जीरो. तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होना है? जीरो होना है. अब आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली होना है या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्म. तो क्या मतलब हुआ? आउटर सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? यूनिफॉर्म भी होना है और जीरो भी होना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? कुछ होगा ही नहीं. तो आउटर सरफेस पे देयर इज नो चार्ज एट ऑल. तो क्या आंसर बना? सी ऑप्शन. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, गलती कर सकते हो इसमें. ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब कंसेप्ट पूछ भी लिया, एट द सेम टाइम कुछ मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स भी नहीं किया, सिंपल ही रखा हुआ काम. बच्चों क्लियर? आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चों, कैपेसिटेंस. बोलो बच्चों, कंप्लीट नहीं की लग रही. कितने लोग ये कंप्लीट है पूरी? चलो 13 क्या हो गया, कमी है. इसमें बताओ बच्चों, एनीथिंग एल्स? चलो ऐसा करो, कंप्लीट कर लेना, मैं फिर से डिस्कस करा दूंगा ये वाला पार्ट. ठीक है, शीट टू का पैसेज वाला जो पार्ट है फिर से कर लेंगे. ये बच्चों मतलब शायद आपने और भी अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, 16 to 18 जो क्वेश्चंस का लेवल है एकदम से बड़ा चेंज है. ये समाव ऐसा था कि जेई मेन्स में 2-3 साल बहुत ही टफ फिजिक्स आई थी, उसके बाद एकदम से ठीक हो गई थी. और 2-3 साल तो मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि कई क्वेश्चंस एडवांस से भी ज्यादा टफ डरे हुए थे मैंने. तो मतलब डोंट वरी, ठीक है, उस मतलब उन सालों में फिजिक्स में बहुत ही कम स्कोर किया था. हाँ है तो उतना ही क्वेश्चन तो इसमें भी सारे जेई मेंस के ही हैं, मैं तभी बता रहा हूँ वो नहीं होंगे. ये जो 16 to 18 वाले हैं वो नहीं होते 2 मिनट्स में. ठीक है, तो आपने तो उसी तरह चलना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, उसके बाद ऑफ कोर्स एक बार करके फिर हमें बच्चों मतलब क्या जरूरी है ये सीखना जरूरी है कि जैसे आप जब कर रहे हो, ठीक है, जब आपने टाइम फिक्स किया तो एटलीस्ट यू विल गेट इनटू दैट मोड कि यार जो क्वेश्चन आसान है एकदम पढ़ के समझ आ रहा है कि उसको पहले अप्रोच करें, है ना. वही चीज हमें टेस्ट में सीखनी होती है. अगर कहीं टेस्ट थोड़ा सा टफ आ गया, अब जैसे मान लो मैं इस पेज को एकदम देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यार 17 तो आसान लग रहा है ना, इसमें कुछ नहीं है, भी डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप सी दिख रहा है, यहीं पे मतलब 19th भी पता है कि सर्किट वगैरह वाला ही होगा कुछ 15. अब जैसे ये 14th है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा तो इसमें कुछ लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, है ना. तो ये चीज को थोड़ा सा हमें वो देखना होता है. फिर उसके बाद घर पे जाके मतलब एक बार सॉल्व कर लिया जो भी है आपका बना अटेम्प्ट, फिर दोबारा जो नहीं हुए उनको ट्राई कर लो और आपको देख के आइडिया लग भी जाएगा कि यार जब छोड़ा तो सही किया कि नहीं किया उस टाइम पे छोड़ के.
अभी बच्चों आपने एरर्स वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं कि नहीं? चलो कोई बात नहीं बच्चों, इफ रिक्वायर्ड हम ऐसा कर लेंगे कि मैं ना एक सैटरडे को एक और क्लास रख लूंगा, ऑनलाइन क्लास होगी वो, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ। तो कोई जो आपके डाउट्स होंगे ना, तो मुझे क्योंकि जो दिख रहा है कि अभी ऐसा है कि जो मैं अभी आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में भी वन ईयर कैलिपर वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, तो वो जो जितना पार्ट बनेगा उसके साथ जो एरर्स वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है उसके डाउट्स फिर फ्राइडे नहीं हो पाएंगे, दैट विल टेक अ क्लास ऑन सैटरडे, मैं करा दूंगा। ओके बच्चों, एरर्स वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें पक्का हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में भी एडवांस में, एंड इसके कॉन्सेप्ट्स एक दो ही लगने हैं, राइट? तो इनको एक बार अच्छे से समझना है, इसकी वेटेज बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप तो वेरी स्कोरिंग पार्ट, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ही है, आप बच्चों नोट करना। आई एम अज्यूमिंग आपको बेसिक वो पता है सबको, सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर रीकैप लेना। मैं चलो एक बार ना शुरू से रीकैप दे रहा हूँ आपको पूरा, ठीक है? एटलीस्ट याद तो आ जाएगा आपको क्या चीजें थी, ठीक है? हम बहुत क्विकली वील प्रोसीड, जो जो काम की चीजें हैं वो आप लिखते जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीजें याद रखनी। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, क्या होता है? इसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो स्केल की लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, स्केल की हेल्प से लाइन की लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, 6.3, 6.2, 6.25, 6.2483, ऐसे आप जितने मर्जी आंसर्स बना लो, ठीक है? लेकिन व्हाट वी नो इज कि अगर ये वाली मार्किंग्स है तो मैं मुझे क्या पता है पक्का जब हम पहला डेसिमल प्लेस ही नहीं बता पा रहे उससे अगली डेसिमल प्लेस तो हम कैसे ही बताएंगे 4, 5, हम जो मर्जी लिख रहे। तो होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कोई मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो, हमेशा आपकी रीडिंग में कुछ डिजिट्स तो सर्टन होंगे एंड कुछ डिजिट्स हमेशा अनसर्टन आएंगे ही आएंगे। इसका दूसरा सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो इस घड़ी से हम टाइम देखते हैं अभी, है ना? तो अभी तो जैसे बताओ बच्चों, एक मिनट के लिए इग्नोर द सेकंड्स एंड
तो आप टाइम क्या बोलोगे? हमें ये दिख रहा है 10 से तो ऊपर है, दिख रहे हैं बिल्कुल ही ये कि नहीं होगा, राइट। तो अगेन माय पॉइंट कि आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपके इंस्ट्रूमेंट पे कैसी मार्किंग्स है, आप कुछ बातें पक्का बता सकते हो, कुछ बातें पक्का नहीं बता सकते। चलो इस केस में आप पक्का ये कह सकते थे कि 5 से को ज्यादा है, yes. ये तो दिख रहा है, 10 वाला नहीं पता चल रहा अभी कि 10 से कम है या ज्यादा है। अग्री। तो हर रीडिंग में कुछ डिजिट्स सर्टन होंगे एंड कुछ डिजिट्स अनसर्टन होंगे, विच विल डिपेंड अपॉन व्हाट डिवाइस, राइट। तो अब अगर हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग ऐसे नंबर्स लिख के डाटा बनाता जाएगा तो इट बिकम्स वेरी मिस्टेक, राइट। कि मान लो किसी ने ई स्केल को यूज करके ये रीडिंग ली थी 6.248, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बंदे ने बहुत ही एग्जैक्ट रीडिंग निकाली, लेकिन वो क्या रहा है, जब हमें पता है कि यार जब इस स्केल से मेजर किया तो इन नंबर्स का तो कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक वर्ल्ड वाइड रूल बनाया हुआ है, द कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कंसेप्ट कहता है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हर रीडिंग देनी है, ये रूल। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसके हिसाब से जितने सर्टेन डिजिट्स हैं वो तो सारे लिख दो और एक अनसर्टन लिख दो, ठीक है, रूल है, ठीक है। तो मतलब जब आप इसको रिपोर्ट करके भेजते हो तो अपने आप ये अंडरस्टूड है कि भाई हाँ जितने लिख के भेजे हमने से एक अनसर्टन है और बाकी सारे सर्टन। आ रही है बात समझ? तो यहां से सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट बनता है, ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इट इज अ रूल कि आपने कोई भी रीडिंग को हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से ही रिपोर्ट करना। Now, how do you ensure this? उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है बच्चों कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ठीक है। जो जिस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे जाते हैं वो है ऐसे साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने देखा होगा जैसे जितने कॉन्स्टेंट्स हम जब भी लिखते हैं हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग ही ये होता है कि जो भी आपने यहां पे ये नंबर्स लिखे दीज आर सिग्निफिकेंट, व्हिच ऑटोमेटिकली मींस कि जैसे मान लो ये एवोगाड्रो नंबर 6.023, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसमें सर्टन कौन से हैं? 6, 0 एंड 2 आर सर्टन, 3 इज अनसर्टन, ये ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है। ये एच है तो 6.62 अगर है इसका मतलब ये है कि 2 इज अनसर्टन। डोंट कंफ्यूज बिटवीन अनसर्टन एंड सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये तो 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अनसर्टन है लेकिन ये सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट में भी एक अनसर्टन तो लेना है। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो जो आपके बच्चों फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो सिंपली ये बन सकते हैं कि आप जैसे आपने शायद ट्राई भी किया थोड़े को कि भाई अगर आपको कोई भी रीडिंग दी हुई है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, आपको उसमें बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसका सिंपल और स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप उस रीडिंग को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? और उसके हिसाब से बस जो भी पावर से पहले वाले नंबर है दोज आर ऑल सिग्निफिकेंट। मैं बच्चे नोट शेयर कर दूंगा आपके साथ अगर, ठीक है, अगर जरूरत लगती है तो, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल कि मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है वो फिफ्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तक रीड कर सकता है, ठीक है। तो मान लो हमने उसके रीडिंग ली 4.123456, तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 तो सर्टन, 6 इज अनसर्टन। तो आप रीडिंग उससे कैसे लिखोगे? उसको साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह से ही लिखो पूरा, सारे सर्टन और साथ में एक आंसर इनटू 10 की पावर।
कई बार ऐसा आ सकता है बच्चों आपको कि सर मान लो कोई रीडिंग एग्जैक्ट आ रही है, जैसे मान लो लेट्स से यही इंस्ट्रूमेंट से मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूँ और वो लेंथ जो है वो फिफ्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तक जीरो आ रही है, तो आप कैसे लिखोगे? Then you will write it as 1.0000. मतलब जब आप साइंटिफिक रोटेशन में तो यहाँ पे जीरोस लगाते हो तो दो कैरी नहीं, उसका क्या मीनिंग है? देखो आप मैथमेटिकली तो कहोगे कि सर 1 × 10⁵ लिखे या 1.000 × 10⁵ लिखे, सेम ही मीनिंग है, बट फिजिकली साइंटिफिकली उसका मीनिंग अलग है. क्या If I say 1 point, अगर मान लो मैंने उसके आगे 6 zeros लगा दिए, इसका क्या मतलब होता है? कि भाई तो छठा जीरो है वो तो अनसर्टन हो गया आखिरी वाला, लेकिन जो 5 है वो सर्टन है. इसका मतलब ये रीडिंग एक्चुअली फिफ्थ प्लेस ऑफ डेसिमल पर चेक की गई है कि वो जीरो है. आ रही है बात समझ? तो जैसे मान लो कोई वेइंग मशीन है जिसकी लीस्ट काउंट 1 kg है, ठीक है. व्हाट इज लीस्ट काउंट? कि वो मिनिमम सबसे छोटी रीडिंग क्या ले, ठीक है. जैसे तो ये वाला जो मान लो क्लॉक है, ठीक है, इग्नोर सेकंड्स आए, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी? 1 minute. कैसे 1 minute कैसे पता चल रहा है आपको? क्या आप अभी जैसे इस नीडल को देख के बता सकते हो कि मतलब कि ये अभी 16 मिनट हुआ है या 15वां ही चल रहा है या 17 मिनट चल रहा है? तो कई बार हो गया. तो इसकी लीस्ट काउंट क्या है? इसकी लीस्ट काउंट तो 5 minutes. लीस्ट काउंट में हम कहते हैं जो पक्का पता चल रहा है, वहां पे आप गेस वर्क नहीं लगा सकते हम कहें कि यार उसके पास लग रहा है, उसके दूर लग रहा है, नहीं. जो पक्का पता चल रहा है, यहाँ से मुझे पक्का सिर्फ ये पता चल रहा है कि भाई हाँ 12.25 से ऊपर टाइम. आ रही है बात समझ? Yes. 12.25 से 12.20 के बीच में जो भी टाइम है ना, उसमें से कोई भी टाइम को एग्जैक्टली नहीं बता सकता, तो इसलिए लीस्ट काउंट क्या बन गई? 5 minutes. ओके, तो जैसे मान लो बच्चों लीस्ट काउंट जो है ये 1 kg है इस इंस्ट्रूमेंट, तो उससे रीडिंग हम कैसे लिखेंगे? अगर 1 kg है तो ऑब्वियसली वो डेसिमल प्लेस पे तो बात ही नहीं कर सकता वो इंस्ट्रूमेंट. Yes. लेकिन अगर उसको सिग्निफिकेंट के हिसाब से रिपोर्ट करना है तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे? जैसे कोई रीडिंग मान लो 50 kg आई, तो इट विल बी रिपोर्टेड एज 50.2 kg या व्हाटएवर. इस तरह से साइंटिफिकली लिखो क्या? इससे अगेन अपने आप क्या पता चल गया? जैसे अगर मैंने स्पेसिफाई किया 5.02 सिग्निफिकेंट में भी एक अनसर्टेन डिजिट हम लिखते ही लिखते, ठीक है. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ऐसे लिखा हो कहीं पे 5.00, इसका भी क्या मीनिंग है? तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बच्चों जब आप इसको लिखते ही ऐसे हो इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो एनीवेज यूनिट्स का पूरा पड़ता है, तो 10 की पावर चेंज होगी ना. क्लियर? ये बताओ बच्चों 1.00, 1.00 एंड 1.000 में क्या डिफरेंस है? मतलब फर्स्ट रीडिंग कह रही है कि डेसिमल प्लेस का हमें कुछ नहीं पता चला क्योंकि उसमें जीरो तो अनसर्टन है. सेकंड रीडिंग सर्टन है, दूसरा जीरो अनसर्टन, एंड सिमिलरली फर्स्ट. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मैथमेटिकली दीज ऑल आर सेम बट फिजिकली दीज आर डिफरेंट क्वान्टिटीज. ये बता रही है कि आपने ये जो रीडिंग नहीं है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नहीं, ठीक है. तो क्या होता है ये, मतलब चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है? आप जैसे इंजीनियरिंग में एंटर करते हो आपकी लैब्स स्टार्ट होता है, लैब्स में बहुत ही ज्यादा वेटेज इस बात को दी जाती है क्योंकि आप देखो ना कोई भी फाइनली हम कोई भी लॉ कोई भी थ्योरी बनती कैसे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा. आप रीडिंग्स लेते हो, इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट्स लेते हो और सब कुछ. तो वहां पे बच्चों
इस बात की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि आप कैसे रीडिंग्स लेके उनको आगे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, तो शायद दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो अभी भी इसको मतलब वेटेज देते हैं अच्छी खासी। आप इस चीज से आइडिया लगा लो कि जैसे जो फिजिक्स का ओलंपियाड कैंप होता है ना, जो 30 बच्चे जाते हैं जिसमें, उस कैंप की भी फर्स्ट क्लास यही होती है, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करवाने होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये पता होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली कैलकुलेशंस में बच्चों कैसे, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जब हम कोई अलग अलग नंबर्स को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे ध्यान रखना होता है। अच्छा बच्चों, इस बार शायद उतना क्लियर नहीं हुआ, अगली बार से ना हम ऐसे रखेंगे कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं, आपने इसको पढ़ लिया। तो इसमें बच्चों दो रूल्स होते हैं। पहला रूल तो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूल इज मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई टेंशन नहीं है, तो जैसे 3.26 है और 1.5 है, इसको ऐड करोगे 4.76 पर ना, तो आंसर क्या आएगा, 4.88 राउंड ऑफ कर, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का क्या रूल, बाकी को बताइए, 5 वाला क्या रूल होता है, इवन है तो सेम रहता है, ऑड है तो एक बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें दिस रूल इज नॉट कोई बहुत टेक्निकल रूल नहीं है, बस एक नोटेशन चली आ रही है। मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो जान के फाइव वाला पंगा नहीं लेते, जस्ट टू अवॉइड एम्बिग्युटी, अगर आ गया तो हम ये रूल फॉलो कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो मार्क्स दोनों को देंगे, क्योंकि कोई इतना वेल डिफाइंड रूल नहीं है ये वाला, किसी बुक में है किसी में नहीं है, तो बट एनी वेज हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से है कि ऑड है तो एक बढ़ाना है, इवन है तो सेम। और कोई भी कैलकुलेशन है बच्चों, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, पावर हो रही है, तो क्या करते हैं, सीधा है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे अब ये है 1.24 और 2.3, अगर आप इसको वैसे लिखोगे तो ये बनेगा, यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, इधर 2 है, तो इस आंसर को भी 2 में लिखना है। अब ये अगर यहाँ पे 5 है तो क्या करना है, इससे पीछे ये रखेंगे, हम ऐसे नहीं सोचते, वी डू नॉट से कि ये तो 52 है तो 50 से बड़ा हो गया तो इसलिए इसको 9 बना लो, क्यों, तो वैसे ही सारे इनसिग्निफिकेंट है ना, जो आगे वाले नंबर का कोई मीनिंग थोड़ी है। तो आप जब आपका 5 इनसिग्निफिकेंट है उसके आगे तो आप देखते ही नहीं हो, वो तो सब कचरा है, दोस नंबर्स कैरी नो मीनिंग एट ऑल, ठीक है। तो आपने तो सीधा इसको देख के बस कर देते, अंडरस्टूड। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बन तो बच्चों बनते हैं, वेरी इजी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे सिंपल कोई कैलकुलेशन पूछी है, हर एग्जाम में आया, मेंस में आया, एडवांस में आया क्वेश्चन, मतलब जहां पे मतलब ऐसे कुछ बहुत सिंपल कुछ पूछा हो, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने जो आंसर देना है, जैसे बच्चों ये अगर हम एग्जाम्पल लें, 1.2 मीटर अगर साइड है तो वॉल्यूम कैसे रिपोर्ट करेंगे हम, साइड हो गई 1.728, तो सही आंसर क्या होगा, इन चार ऑप्शंस में से क्यों, दो सिग्निफिकेंट में आंसर दें, जब पहले दो है तो बाद में भी दो आने चाहिए, वो किस में आ रहे हैं 1.7। अच्छा, जब भी कोई आपका ऑप्शन इस तरह की दिखे,
आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि ये सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन है। दैट ऑल? यस। अब थोड़ी सी कई जगह पे बच्चों एम्बिग्युइटी आ जाती है, जैसे अगर हम एक केस लें 230 क्योंकि इसका अगर बात करें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या आप बता सकते हो? अभी एक्चुअली डिपेंड करता है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर तो 230 को हम ऐसे सोचें कि 230 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सम कॉलेज, वो तो फाइनाइट ही होगा, तब तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही ना। अगर 230 कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से निकल के आया हुआ है, फिर हम क्या कहेंगे कि चलो मतलब फिर हमें we will have to trust the person कि भाई जिसने रीडिंग दी है हमें वो सारी सिग्निफिकेंटली दी है, तो कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब कोई गलती करने वाला ये भी कर सकता था कि अगर मान लो ये कोई लेंथ थी जो मीटर स्केल से यूज किया, जिसकी लीस्ट काउंट 1 मीटर है, ठीक है, तो वो तो एट मोस्ट 2.3 बता सकता था, उससे अगला बता सकता था। अगर आप एक लेंथ मेजर कर रहे हो यूजिंग अ मीटर स्केल जिसकी लीस्ट काउंट 1 मीटर ही, तो वो तो ये होगा ना, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है और 3 सॉरी 2 सर्टेन है और 3 अनसर्टेन है, तो उसने इसके हिसाब से आंसर दे दिया। ठीक है, तो जिसने तो एक्सपेरिमेंट किया है उसने तो आपको आंसर दे दिया 2.3 मीटर। अब आपको मान लो आगे किसी ने पूछा, उसने कहा यार सेंटीमीटर में बता दो, तो आपने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर भेज दिया, तो आपने उसको भेजा 230 सेंटीमीटर। अब उसको तो नहीं पता ना कि असली में ये सोर्स क्या था, तो जैसे हमने भी अभी बात की तो आपने क्या बोला 3, लेकिन अगर ये डाटा इस तरह से निकल के आया होता तो कितने होते? 2 हो गई, तो थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आ सकती है। ठीक है, बट हाउ विल वी प्रोसीड, हमें तो जो गिवन है हम तो उसी को मान के चलेंगे, या तो वो सोर्स दे या तो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे, फिर तो हम उससे चलेंगे। आप ये समझते हो सोर्स क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? डिवाइस। सोर्स तो वहां है ना, वहीं से आएगा, उसके आगे तो गलती हो सकती है कैलकुलेशन में या कुछ, हम तो आइडियली हमें वो सोर्स। इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन बनी है कि भाई हर कोई वही फॉलो करो, फिर तो सही है। ठीक है, तो अगर हमारे को आएगा तो हम तो 3 ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी होती है कि कोई भी हमारा जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी नो जी इज 9.8, लेट्स से जी इज 9.8, तो 9.9 इज मोर प्रिसाइज देन 9.5। जो भी रीडिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे के कितनी पास है, वो एक्चुअल आंसर के पास है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में पास होना चाहिए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है बच्चों ऐसे एक ये एक सोचो एक निशाने वाला हम जो केस है कि सम शूटर इज हिटिंग दीज टारगेट्स, तो अगर तो हमने शूटर की एक्यूरेसी देखनी है तो उसका मतलब होगा कि जैसे जो बेस्ट पॉइंट है वो सी है, कि भाई वो सी के कितनी पास मार सकता है। ठीक है, तो क्लियरली जिसने ये जो सबसे अंदर वाले सर्कल में मारी है वो एक्यूरेट हुआ कंपेयर टू द अदर शॉट्स। प्रिसीजन होता है कि मारे जहां मर्जी बट आपस में क्लोज होने चाहिए, तो प्रिसीजन के लिए आपको ग्रुप ऑफ रीडिंग्स चाहिए, है ना, एक रीडिंग से तो आप बता ही नहीं सकते कि वो प्रिसाइज है। अगर आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स होंगी आप तभी बता सकते हो कि वो प्रिसाइज है, और एक्यूरेट कैसे बता सकते हो?
आपको एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू से उसका डिफरेंस, ठीक है। ऑब्वियसली बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, कोई रीडिंग एक्यूरेट भी हो एंड प्रिसाइज भी, वो तो बेस्ट हो गया। नहीं है तो चलो ठीक है, दोनों में से जैसे भी है वी शुड बी एबल टू टेल कि कहां पे एक्यूरेसी है और कहां पे सी है। आपने रूल्स अलग अलग मेंशन होते हैं वो जीरोस प्रीसीडिंग और ये सारा कुछ, कुछ नहीं याद रखना, सिंपल एक बात याद रखनी है, एक साइंटिफिक बस सारा केसेस होता है। वही कह रहा हूँ मैं, बट डिपेंडिंग ऑन द केस वो ज्यादा भी हो सकते हैं। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मैं ये इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। आउट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हम क्या प्रेफर करेंगे? प्रिसीजन भाई, अगर मतलब दोनों में से एक मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें इसमें फिक्स पता होता है कि यार कितना फर्क आया, ठीक है ना। अगर तो प्रिसीजन नहीं है तो क्या हो सकता है? आपको अगर कहें कि एक डिवाइस यार एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि उसमें कैपेबिलिटी तो है कि वो एक्चुअल के बहुत पास आंसर दे सकता है लेकिन हर बार नहीं देता, तो वो तो आपकी किस्मत पे है ना कि उसने जब आपने मेजर किया तो उसने वो दिया कि नहीं दिया। लेकिन जो आंसर प्रिसाइज है उसमें आपको क्या पता है कि यार एक्चुअल से हमेशा 2 सेंटीमीटर ज्यादा था, तो आपको अगर पता चल गया तो आप क्या करोगे? मेजर करके 2 सेंटीमीटर निकाल दोगे, तो वो इजी होगा। इसको लेके ना बहुत सारी स्टोरीज है इस पर्टिकुलर पार्ट को लेके, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी मे भी, बट अपने को नहीं जरूरत उसकी। ये क्लियर है बच्चों? फिर नेक्स्ट पार्ट आता है एरर्स, ठीक है। मैं बच्चों एरर्स की जनरल थ्योरी की बात नहीं कर रहा, हम सीधा बात करते हैं कि हम अलग अलग केसेस में एरर्स कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहला केस होता है वो होता है कि अगर आपको ऐसे रीडिंग्स दी हुई, इसमें आपको बताना है कि मेन वैल्यू कौन सी लेनी है और एरर कितना है। तो इसका क्या तरीका है? ये बच्चों स्टैटिस्टिक्स है 11 12 में होता है वो मीन स्टैंडर्ड वेरिएशन और सब कुछ होता है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स का ही केस है, कौन सा है मुझे नाम नहीं पता। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने रीडिंग्स देखी एक्चुअल जो गिवन था, हमने उनका मीन निकाल लिया। इन सब रीडिंग्स का मीन निकाल सकता जो एक्स बार है, तो फिर हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका ले लेंगे मॉड। ये क्या मैथ्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में कहाँ पे करते हैं? I think this is standard deviation. तो ये समझ आया क्या कि अब एक्स आई लिखे एक्स आई माइनस एक्स बार फिर उसका मॉड ले लो। तो जो तो होती है आपकी मेन रीडिंग वो तो है आपकी सिंपल इन सब का मीन, तो वो मीन आप जैसे क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे थे तो इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, कैसे एडिशन में अगर टू डेसिमल प्लेसेस, तो ये आ गया आपका मेन रीडिंग 5.27। अब जो उसका एरर है वो कैसे रिपोर्ट करना है, ये जो थर्ड कॉलम था समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार उसका मीन वो आ गया 0.066 इस केस में जो आप ऐड करोगे, तो उसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस में ही रिपोर्ट करते हैं। जो आपकी मेन क्वांटिटी होती है और जो एरर वाली क्वांटिटी होती है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शुड बी सेम। तो ये क्या बन गया 5.07 बन गया। तो आप जो आंसर रिपोर्ट करोगे वो इस तरह से करेंगे 5.27 प्लस माइनस 0.07। ये वाला केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये
मतलब एनसीईआरटी का ही केस है मान लो, आया समझिए क्या किया। नेक्स्ट केस होता है बच्चों एडिशन में हम कैसे बताते हैं, जैसे अगर ये ए और बी को ऐड कर रहे हैं, मेन क्वांटिटी ऐड होगी और जो एरर है वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x plus sin delta x plus y plus sin delta y is equal to मेन क्वांटिटी ऐड की, देखता हूँ हमेशा प्लस माइनस के और साथ में जो एरर वाली क्वांटिटी है वो भी ऐड है। और यू सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज, मेन क्वांटिटीज तो सब्ट्रैक्ट होंगी, एरर ऐड ही होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, माइनस अगर मिलाया तो मेन को सब्ट्रैक्ट हुई लेकिन जो एरर वो ऐड है। क्लियर टू ऑल? फिर एक जो बहुत स्टैंडर्ड केस होता है कि पावर्स वाला, इसमें क्या तरीका होता है, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो या अलग अलग फॉर्म में आपने किया होगा। तो इस केस में सब कुछ कर कर आके जो है वो ऐसा आ जाता है डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा ए बाय एक्स बी डेल्टा बी बाय बी प्लस वन, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो। यहाँ बच्चों एक जो बात ध्यान रखने वाली है कि कब मॉड लगाते हैं और कब नहीं लगाते, बताओ। अगर तो एरर पूछा है तो मॉड लगेगा, अगर अगर चेंज पूछा है परसेंट का जरूरी है, अगर चेंज पूछा है मतलब अगर आपको जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है ना रेजिस्टेंस कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 1% रेडियस इज इंक्रीज बाय 1% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, वो करना तो वहां भी यही है लेकिन वहां पे फिर मॉड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब चेंज नहीं होंगे तो उसमें क्या करोगे, पॉजिटिव चेंज को मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो चेंज को प्लस में डालोगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज को नेगेटिव। आया समझ? और जब बच्चों कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे जब ये वाला केस, क्या करेगा, डिफरेंशिएट करता है। अब तो यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना है, एक तो कैन आई डू इट दिस वे कि मैं इसको लिख देता है एज मतलब इसको सिंपलीफाई करके मैं लिखूं r is equal to r1 r2 over r1 plus r2 और फिर मैं कहूँ कि इस पे डिवीजन वाला रूल लगा दूं कि एक क्वांटिटी r1 r2 बन गई और दूसरी क्वांटिटी r1 plus r2 बन गई और उसके ऊपर डिवीजन रूल लगा दें। आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? इफ आई राइट इट एज आर इक्वल टू आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, तो अब मैं कहूँ कि दिस इज डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, तो मैं आर वन आर टू में एरर निकाल लू, आर वन प्लस आर टू में एरर निकाल लू और रिलेटेड जब आप एरर्स की बात करते हो तो वहां पे आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि आप क्वांटिटीज को इस तरीके से लिखो कि दे आर अनरिलेटेड। अगर आप इसको p by q फॉर्म में लिख रहे हो तो p q तो आपस में रिलेटेड ही है, yes. ठीक है, तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप उसको इसी फॉर्म में लिखोगे कि जो सारी क्वांटिटीज है वो आपस में दे शुड बी अनरिलेटेड। ये बात समझ आती है? तो इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखिए। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो और जो डी आएगा उसको बाद में डेल्टा से रिप्लेस कर दो और
मॉड लगा देना है सारी क्वांटिटीज का. यू हैव टू इंश्योर कि हर इंडिविजुअल क्वांटिटी जो बन रही है वो सारी की सारी ऐड हो. तो आप एरर्स निकालते हो तो एवरीथिंग हैज टू बी एडेड. उसमें हम ये बात कर रहे हैं गड़बड़ है उसमें नेविगेशन मीटर ब्रिज में हम ये गलती कर रहे हैं. नहीं आप डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में आएंगे और कुछ बात बन जाएगा. चलो ठीक है बच्चों अभी यही तक कर रहे हैं. ठीक है नेक्स्ट क्लास में किसी कोई और आगे थोड़ा एरर्स को स्टडी करेंगे और वर्ड में फाइल्स बनाएंगे. आप नेक्स्ट क्लास तक क्या काम करोगे? कैपेसिटर वाली शीट अगर किसी की पेंडिंग है वो खत्म कर लो, फिर जो नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दो. कौन सी शीट करोगे? वन में टू करो, टू कर पाओगे नेक्स्ट क्लास तक? टाइटल तक बट वन के जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. yes, हाँ वो आंसर वगैरह कुछ हो सकता है, वैसे ही कुछ होगा. आप बच्चों ये शीट टू कर लेना. शीट टू में अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जितना मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे हो जाएंगे. अगर कहीं पे नहीं रखोगे तो मैं मतलब फ्राइडे को कैपेसिटर और यूनिट्स वाली शीट टू डिस्कस करूंगा. हाँ वो मिल जाएगी आपको.